नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम देखो आज हम मटन करी बनाएंगे। जिसके लिए मैंने मटन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और साथ में इसके लिए ये मसाला है, ये प्याज है, ये लहसुन है, टमाटर है और ये अदरक है। इसको हम सबको पेस्ट बनाएंगे। और ये खड़े मसाले हैं, जिसके लिए तेज पत्ता, दालचीनी, फूल चक्री, काली मिर्च और छोटी मोटी इलायची और ये लौंग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कुकर रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए, और हम इसमें ये बटर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ऑयल डालने का ये है कि इससे हम जो बटर है वो जलता नहीं है। और अब ये थोड़ा सा बटर पिघल जाए तो उसके बाद हम ये क्या करेंगे, ये जो हमने मटन को धो के रखा हुआ है, इस मटन को हम सब इसमें डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह भून लेंगे मटन को, और फिर भूनने से क्या होता है, इसका थोड़ा जो टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी मटन बनता है। इसको हम डाल दिए और अब हम इसको तो हम बटर में इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ये देखो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये जो पानी मटन ने जो पानी छोड़ा, ये पानी सूखने तक अब हम इसको रोस्ट करेंगे। तब तक हम दूसरी कढ़ाई रख के ये दूसरी साइड रख देते हैं। और ये जो ये मसाला मैंने पीस लिया है, ये टमाटर और अदरक और ये प्याज और लहसुन, ये दोनों चीज़ें मैंने पीस दी हैं मिक्सी में। अब हम इसको मसाले को भून लेते हैं, ये हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं और इधर हम मसाला भून लेते हैं। जब तक ये रोस्ट होता रहेगा इधर मसाला भून जाएगा हमारा। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे सबसे पहले ही। ऑयल गरम होने का तो ऑयल गरम होता है, सबसे पहले हम इसमें ऑयल गरम हो जाएगा तो ये खड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि खड़े मसालों का फ्लेवर ही अलग आता है सब्जी में। और तब तक ये हमारा ये भी भुन जाएगा और इधर हमारा मसाला भी भुन जाएगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता, और साथ में जो है अपनी इलायची है, इलायची को हम थोड़ा तोड़ के डालेंगे। तो हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर कभी अच्छे से खुशबू आती है। ये हमने इलायची हमने तोड़ के डाल दी इसमें। इलायची डाल दी है, साथ में हमने ये लौंग भी डाल दिए 5-6, और ये दालचीनी भी हमने डाल दी है, और ये फूल चक्री डाल दी है। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे क्योंकि भूनने से क्या होता है इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप ऐसे डालोगे तो इतना अच्छा खुशबू भी नहीं आएगी सब्जी में। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लहसुन और प्याज की पेस्ट बनाई थी, अब वो हम इसमें डाल देंगे। ये सारी पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इस मसाले को हम भूनेंगे आके। ये देखो ये अच्छी तरह ये भून चुका है ये मटन, और ये देखो बिल्कुल पानी सूख गया।
और हम गैस को बंद कर देते हैं और तब तक ये मसाला भून लेते हैं। देखो अच्छी तरह मसाला भूनेगा, मटन हमारा भून चुका है, हम मसाला भून लेते हैं। फिर इसको कढ़ाई में कुकर में शिफ्ट करके और हम फटाफट अपना सीटी लगवा लेंगे। मसाला भून जाए गोल्डन ब्राउन होने तक। फोन हो रहा है, ये देखो ये मसाला जो है ये अपना भून चुका है, ये देखो ब्राउन हो गया बिल्कुल। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये धनिया पाउडर और ये मैंने लिया इसमें लाल मिर्च पाउडर और ये मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी लिया है इसमें मैंने देगी मिर्च। इससे क्या आएगा, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। और ये लिया मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार और इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह भून लेंगे। ये अच्छी तरह भून मसाला मिक्स हो गया और अब हम जो ये हमने टमाटर और अदरक की जो पेस्ट बनाई थी अब हम ये पेस्ट इसमें डाल देंगे और हम इसको टमाटर भूनने का टमाटर जो अच्छी तरह ये पेस्ट अच्छी तरह भून जाएगी। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं और ये मसाला हमारे अच्छी तरह भून जाएगा। इसको अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। और जो हमने ये कुकर में तो ये हमने कुकर में देखो ये वो है हमारा बटर है बचा हुआ। अब ये जो मसाला है ये हम सारा मसाला जो है इसमें कुकर में डाल देंगे और फिर क्योंकि हमने कुकर में सीटी भी लगवानी है इसलिए और वो बटर में ही ये मसाला भुनता रहेगा हमारा। इसे इस साइड इसको हम रख देते हैं और सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं, इसमें शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि बटर भी है और ये मसाला अच्छी तरह हमारा भुन जाएगा। मैंने कहा प्याज भूनने के लिए मैंने इसलिए कढ़ाई रखी थी और ये सारा ये बटर में मसाला हमारा तो अच्छी तरह से भून गया। ये देखो ये मसाला ये थोड़ा कुछ भून चुका है और अब जो हमने ये रोस्ट किया हुआ जो मटन था अब साथ में ये मटन भी हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि साथ साथ ये मटन भी रोस्ट हो जाएगा और मसाला इसका अच्छी तरह अंदर तक मिक्स हो जाएगा। सारा मटन हम इसमें डाल देते हैं, ये भी साथ में भूनता रहेगा और हमारा मसाला भी भून जाएगा और अब हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे। और जब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से जब ये भून जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने दही लिया हुआ है, ये दही लिया हुआ है हमने दही में। अब जब ये हमने एक मटन मसाला लिया हुआ है और ये दही में मिक्स करेंगे मटन मसाले को और फिर दही इसमें डालेंगे। अभी थोड़ा जब तक ये अच्छी तरह से भून जाए हमारा मटन इसलिए साथ में मसाले के भूनते हैं कि जो मसाला है अच्छी तरह ये पीसेस में अच्छी तरह से अंदर तक रस जाए। अब हम इसको थोड़ा ढक के रखते हैं और साथ साथ इसको भूनते रहते हैं। ये देखो अब इसको देख लेते हैं हम, ये देखो घी छोड़ना शुरू हो गया मसाले ने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दही डाल के भूनेंगे। ये देखो ये हमने दही लिया और ये जो हमने मसाला लिया है मटन मसाला ये हम इसमें मसाला डालेंगे। ये हमने मटन मसाला इसमें डाल दिया और ये दही में मिक्स करके ये सारा हमने दही में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखो सारा मिक्स हो गया और ये हम सारा हम इसमें ब्लेंड करेंगे। अब हमने दही डाल के अच्छी तरह भूनेंगे
थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, ये अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कटोरी में पानी डाल देंगे, दही वाली कटोरी में, और फिर हम इसको अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे और हम इसको भूनते रहेंगे मसाले को। अब हम इसको अच्छी तरह हम इसको फिर ढक के रख देते हैं और फिर इसको हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में खोल खोल के देखते रहेंगे। ये देखो इसको ढक्कन डाल लेते हैं और ये देखो ये देखिए अच्छी तरह ये भून चुका है हमारा मटन, अच्छी तरह भून गया। और अब हम इसमें पानी डाल के और इसको हम सीटी लगवाएंगे। क्योंकि हमें इसकी करी बनानी है ना, तो इसलिए हम थोड़ा पानी तो डालेंगे और फिर सीटियाँ लगवाएंगे। ये मसाला जो है साइड में जो मसाला लगा है उसमें सारा मसाला हम इसको कर देंगे। और हम ये देखो वैसे तो ये भुन ही चुका है, अब हम इसमें तीन सीटियां लगवाने तक अब इसको तीन सीटियां लगवाएंगे और फिर खोल के देख लेंगे, अगर कोई कमी पेशी होगी तो दोबारा लगा लेंगे। कुकर को खोल के देख लेते हैं, कितना अच्छा कलर आया हमारी सब्जी का ये देखो। जब हम पीस को चेक कर लेते हैं ये गल गया है कि नहीं, देखो ना ये हमने चक्कू ले लिया और ये देखो आराम से इतना इजीली बहुत अच्छा गल गया ये देखो। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, देखो ये हमने हरा धनिया डाल दिया। देखो ये मटन बनके हमारा तैयार हो गया। अगर जो ये आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको हमारी ये मटन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।